आपका वेलकम है जी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह के पनाह में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने लिया है 3 4 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है, तो इनको जो है ना मैंने गर्म कर दिया है। तो आज मैं बनाऊँगा मीठे में सूजी। तो आप लोग कहते होंगे कि रोज़ ही जो है ना सूजी पका रहे हो, कुछ कैसे पका रहे हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये रूटीन है। तो बहन भाइयों के साथ थोड़ी सी खुशी जो है ना शामिल होती है तो इनकी वजह से। और कल जो है ना मेरे सहरी में जो है ना आलू वाले पकोड़े घर वालों को इतने पसंद आए थे, इतने पसंद आए थे, इतने क्रिस्पी थे। तो घर वालों ने सोचा कि आज भी जो है ना वही बना लेना। तो आप लोगों के साथ बस यही रूटीन होती है। तो घर वालों ने बस सोचा कि भाई आज भी हमें जो है ना आलू वाले पकोड़े खिलाना। तो आज मैं वो ही थोड़े से बनाऊंगा, क्योंकि मैं आज जो है ना प्रॉपरली जो है ना वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बस थोड़ी बार जो आप लोगों को शेयर करूंगा। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सूजी का जो है ना ऑयल गर्म हो गया है। तो अब थोड़ी सी मैंने सूजी ली है, इतनी ज़्यादा मैंने नहीं ली है, बस जो है ना टेस्ट जो है ना लोग टेस्ट करते हैं, बस वो ही जो है ना बस टेस्ट करने के लिए मैं बना रहा हूँ। ये लीजिए जो हमारी सूजी आप लोग देख सकते हो, तो कितनी मैंने सूजी ली है, ये जो है ना फुल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एक प्लेट जो है ना इनसे बहुत ही अच्छी बन जाएगी इनसे प्लेट। तो चलिए इसमें शामिल करता हूँ सूजी। बस आप लोगों के साथ यही उम्मीद होती है हमारी, बस जो है ना हम प्यार जो है ना मोहब्बत से रखें, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, मेरी दुआई होती है। ये हमारी रूटीन जो है ना रूटीन रमज़ान के बाद जो है ना हमारी रूटीन नहीं चलेगी, फिर जो है ना वीडियो बनानी पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो क्या है, क्या होता है ना कि जब रमज़ान होता है ना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बस जो है ना हम जो है ना अपनी वीडियो को जो है ना प्यार से वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोगों को पेश करते हैं। बस क्या करें, आप लोगों को बस जो है ना मायने कीजिएगा, बस पसंद कीजिएगा वीडियो को और मुझे दुआओं में शामिल कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैंने जो है ना सूजी पका ली है, कुछ दिन रह गए हैं बस रमज़ान में, रमज़ान भी जाने वाला है, अनकरीबी है। अब जो है ना 19 रोज़ा है, 20 भी हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 के बाद जो है ना रमज़ान जो है ना अलविदा अलविदा रमज़ान कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी जुम्मा जो है ना अलविदा रमज़ान है। तो आप लोग जो है ना अभी जो है ना रमज़ान में दुआएं मांगे, कबूल की घड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह किसी को भी जो है ना खाली हाथ नहीं लौटाता। तो आप लोग भी अपने दुआ मांगे, अल्लाह को याद करें, अल्लाह को जो है ना अच्छे बड़े जो है ना दुआ मांगने वाले बहुत ही पसंद है। अल्लाह पाक किसी का भी हाथ नहीं लौटाता। तो अल्लाह पाक से दुआ मांगते रहो, मेरे लिए भी दुआ मांगना, जो भी है मेरे हाल में, जो मैं भी आप सबके लिए दुआ मांगता हूँ और हर वक्त आप लोगों को याद करता हूँ दुआ में। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये पकोड़े मैंने जो है ना आलू के यही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े से बनाए हैं। बस आप लोगों को क्लिप दिखानी थी तो बस सोचा कि आप लोग बहन भाइयों के साथ शेयर कर लूं। एक खुशी सी होती है बस आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ती है, बस दिल से जो है ना आप मेरी वीडियो को पसंद करें। बस मुझे यही लगता है कि मेरे जो बहन भाई है अल्लाह पाक करे मेरी वीडियो जो है ना पसंद आ जाए पर, लेकिन इतना प्यार देते हो, इतनी मोहब्बत करते हो छोटे भाई से, तो बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। अल्लाह पाक आप सबके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यकीन माने कि इतने जो है ना टेस्टी बने थे कल पकोड़े जो है ना, आज फिर जो है ना घर वालों ने कहा था कि आज भी बनाओ पकोड़े। तो आज मैं बना रहा हूँ पकोड़े आलू वाले। सूजी जो है ना मेरी लाइट कलर की हो गई है, ब्राउन कलर की हो गई। तो अब इसमें जो है ना पानी शामिल करते हैं, आप लोग देख सकते हो मेरा जो है ना सूजी वाला सीरा बहुत ही यम्मी और टेस्टी बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करते हैं, तकरीबन मैंने 4 टीस्पून जो है ना मैंने चीनी के ऐड किए हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो कितना लाइट कलर ब्राउन कलर आया है और यमी और टेस्टी खुशबू आ रही है और टेस्टी जो है ना कलर आ गया है हमारे सूजी में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सूजी जो है ना वो पक्के रेडी है, तो चलिए इनको चूल्हे से उतार लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हमें बहुत ही अच्छी लगती है, मज़ीद इनको गाढ़ा नहीं करेंगे, बस इतनी जो है ना हमें क्वांटिटी चाहिए सूजी की। ये ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी सी जम जाएगी और थोड़े से आलू भी फ्राई किए मैंने। मेरी आज की सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के, ताकि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।